कांग्रेस पार्टी का गढ़ माने जाने वाले बरोदा विधानसभा के गांव बरोदा में बीजेपी के नेताओं ने एक बड़ी रैली कर वहां की जनता पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। रैली में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बरोदा हलके के विकास के लिए 39 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा इस मौके पर सुभाष बराला ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल में किए गए कामों की जमकर तारीफ भी की। देखिए, आज हमारी ये सोनीपत जिला में बरोदा विधानसभा में जो हम 4 साल के हमारा जो बहुत सफलतापूर्वक कार्यकाल जो हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरा किया है, इस अवसर पर इस जनसभा को संबोधित करने के लिए मैं आया था और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जिस प्रकार से आकर के इसकी शोभा बढ़ाई आपके सामने है। और आज हमने यहाँ पर हमारी जो 4 साल की सरकार है उसका लेखा जोखा और किस प्रकार से एक राजनीतिक बदलाव हरियाणा प्रदेश में आया है, ये एक संपूर्ण बदलाव में कहना चाहूँगा इसको, राजनीतिक व्यवस्था में करने का काम हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। इस मौके पर सुभाष बराला ने इनेलो में चल रहे सियासी घमासान पर भी तंज कसा। सुभाष बराला ने कहा कि इनेलो के नेता जब अपनी लाज ही नहीं बचा सकते तो जनता का क्या भला करेंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुभाष बराला ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के शासनकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई प्रॉपर्टी डीलर बना रखे थे जो सरकार से सांठ गांठ करके आम लोगों की जमीन हड़प जाया करते थे। आज हुड्डा साहब की नाक के नीचे हमारी सरकार ने जो किसानों की फसलें जो बर्बाद हुई थी उनका 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारी सरकार ने अब तक मुआवजा दिया है। हुड्डा साहब के समय में उनकी अगुवाई में किस प्रकार से किसानों की जमीन को सेक्शन 4-6 लगा करके छीना जाता था, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर उन्होंने पाल रखे थे, इस सारी व्यवस्था को खत्म हमने कर दिया। हमारे समय में एक एक धान पैदा करने वाले किसान के घर के अंदर एक एकड़ जिसने पैदा किया है 7 से 8 हजार रुपए हमने उस किसान को, एक एकड़ वाले किसान को फालतू देने का काम किया है। बहरहाल चुनाव से पहले वक्त अब तक किए गए सभी कामों को गिनाने का है और बीजेपी भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन देखना ये है कि बीजेपी को इस काम का कितना फायदा मिल पाता है। सुनील जिंदल, टोटल न्यूज़, गोहाना।